मित्रों आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि 28 नवंबर दो का दिन वृषभ राशि वालों के लिए कैसा बीतेगा आने वाले समय के दौरान आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन क्या क्या बदलाव होगा लेकिन सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ 28 नवंबर 2020 के पंचांग के बारे में आज तिथि है त्रयोदशी नक्षत्र है भरणी पक्ष है शुक्ल पक्ष दिन है शनिवार आज के दिन सूर्य उदय का समय है छ बज के चौवन मिनट में सूर्य अस्त का समय है पाँच बज के तेईस मिनट में ऋतु है हेमंत आज का दिन काल है दस घंटे उनतीस मिनट उनतीस सेकेंड का महीना है कार्तिक आज के दिन शुभ समय शुरू होता है ग्यारह बज के चालीस मिनट ए एम से बारह बज के चालीस मिनट पी एम तक काल शुरू होता है छः बज के चौवन मिनट ए एम से आठ बज के अठारह मिनट ए एम तक राहु काल शुरू होता है नौ बज के इकतीस मिनट ए एम से दस बज के पचास मिनट ए एम तक दिशा सूल है पूरब दिशा की ओर तो ये था आज का पंचांग इस वीडियो के अंत में आज के दिन का अनोखा टोटका भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक है तो आप उसे भी देखें लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को बड़े ही ध्यान से आप सुनने का प्रयास करें मित्रों सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूं आपके काम काज आपके कार्य क्षेत्र के बारे में दोस्तों आने वाले समय से पहले अगर आपके काम काज में कहीं कोई परेशानी कहीं कोई समस्या था तो आने वाले समय के दौरान उस परेशानी का अंत आपको करना होगा क्योंकि आने वाले समय के दौरान इस काम को करने में आपका समय आपका भाग्य आपका साथ अवश्य देगा लेकिन अगर आपके प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आपका समय सामान्य से बहुत ज्यादा नीचे है दोस्तों आने वाले समय के दौरान अगर आप अपने प्रेमी या अपनी प्रेमिका से मुलाकात करते हैं तो मुलाकात के दौरान अपने पार्टनर के पसंद अपने पार्टनर के नापसंद को आपको ध्यान रखना होगा अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले समय के दौरान आपका प्रेम संबंध बहुत ज़्यादा खराब होगा मित्रों आप में से जो भी जातक जो भी दर्शक नौकरी करते हैं जॉब करते हैं तो आने वाले समय के दौरान आपके नौकरी के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा आने वाले समय के दौरान आपके नौकरी के क्षेत्र में आपका समय आपका भाग्य आपका साथ अवश्य देगा मित्रों आने वाले समय के दौरान अगर आप अपने नौकरी के क्षेत्र में कोई भी एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो एक्सपेरिमेंट के दृष्टिकोण से आपका समय बहुत ज़्यादा बेहतर और शानदार होगा तो इसके बाद बात करते हैं कि आने वाले समय के दौरान आपके लिए अनोखा टोटका भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक क्या है मित्रों आने वाले समय के दौरान ने अपने समय को बेहतर और शानदार बनाने के लिए एक मंत्र है उस मंत्र का जप आपको करना होगा वो मंत्र है ओम किंग केतवे नमः मित्रों आज आपके लिए भाग्यशाली अंक है दो यानी कि टू आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है सिल्वर और सफ़ेद तो यही था आज के दिन का राशि फल तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें इस वीडियो को आप हर जगह शेयर कर दें धन्यवाद